कर्म नियमाधिकारस्ते माफलेषु कदाचन। प्रेम की मूरत भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का ज्ञान दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा और आज हम भगवान कृष्ण की जन्म नगरी मथुरा में हैं। यूं तो मथुरा हमारी आस्था का प्रतीक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अचानक ये जगह विवाद का केंद्र बन गया। विवाद उठाया गया यहाँ की जमीन को लेकर के। तो आज मथुरा में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव के ठीक पहले जिस मुद्दे को छेड़ा जा रहा है, क्या वो चुनावी मुद्दा है या फिर वाकई जनता भी इसे अपने करीब समझती है, और अगर वो नहीं समझती है तो फिर मथुरा के असली मुद्दे क्या हैं। आइए आपको मथुरा लिए चलते हैं। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, इसलिए सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सनातन संस्कृति से जुड़े लोगों के लिए आध्यात्म और आस्था का केंद्र भी है। मथुरा अपने पेड़ों की मिठास के लिए भी जाना जाता है, तो ब्रज की धरती दूध दही मक्खन की पौष्टिकता के लिए भी प्रसिद्ध है। लेकिन आस्था और अध्यात्म का ये केंद्र पिछले कुछ दिनों से विवादों का युद्ध क्षेत्र बन गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की आहट से ठीक पहले मथुरा का मुद्दा गर्माने लगा। अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है के नारे कुछ संगठनों की ओर से छोड़े जाने लगे। 28 नवंबर को अखिल भारत हिंदू महासभा ने ऐलान कर दिया कि वो 6 दिसंबर को मथुरा में मस्जिद के अंदर जन्म स्थान पर श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित और जलाभिषेक करेंगे, लेकिन मथुरा जिला प्रशासन के इनकार के बाद इसे रद्द कर दिया गया। कार्यक्रम को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई। मामले को और ज्यादा तूल तब मिल गया जब खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि अयोध्या और काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है और मथुरा की तैयारी है। मौर्य अपने बयान पर अब भी कायम हैं। और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक बार फिर अयोध्या मथुरा काशी के सहारे चुनावी नैया पार लगाना चाहती है, क्योंकि अयोध्या काशी मथुरा शुरू से ही बीजेपी के एजेंडे में शामिल रहा है। अब ये मामला सियासत से दूर हटकर अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है और अब एक के बाद एक इसमें कई पैरोकार लगातार मुकदमे में शामिल हो रहे हैं और अब इस पर सुनवाई होनी बाकी है। आखिर ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ? मथुरा श्री कृष्ण विराजमान विवाद मथुरा कोर्ट में 25 सितंबर 2020 को दाखिल हुआ। कुल 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक का विवाद है, जिसमें से 10.9 एकड़ भूमि श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास है, जबकि 2.5 एकड़ भूमि शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। याचिका दाखिल होने के बाद अदालत ने 4 संस्थाओं को नोटिस दिया, जिनमें श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड शामिल हैं। इस मामले में अब तक कुल 6 अर्जियां दी जा चुकी हैं। सारी अर्जियां जिला जज की अदालत में विचाराधीन हैं। अब तक एक साल में 11 बार सुनवाई हो सकी है, मगर ये तय नहीं हो सका कि मामला यहीं सुना जाएगा या हाईकोर्ट ही इसकी सुनवाई करेगा। वहीं याचिकाकर्ता ने ऐतिहासिक घटनाओं का ब्यौरा देते हुए इंसाफ की मांग की है। याचिका के मुताबिक साल 1618 में राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने श्री कृष्ण जन्मस्थान पर पहला मंदिर बनवाया था। औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर जन्मस्थान की जमीन पर शाही मस्जिद ईदगाह का निर्माण कराया। याचिकाकर्ता की ये अपील है कि शाही मस्जिद ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के बीच 1968 में हुआ समझौता रद्द किया जाए। इसके तहत ईदगाह को 2.1 एकड़ जमीन दे दी गई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि कटरा केशव देव की पूरी संपत्ति ट्रस्ट की है और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को समझौता करने का अधिकार नहीं था। श्री कृष्ण जन्मभूमि संस्थान के द्वारा हुआ था, जबकि प्रॉपर्टी का टाइटल है श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर और मुस्लिम पक्ष शाही ईदगाह थी। तो ये जो राजीनामा हुआ था, ये नल एंड वॉइड है, ये प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ था। ये गलत तथ्यों को दर्शा करके गलत तरीके से राजीनामा किया गया था। तो हम चाहते थे कि 13.37 एकड़ जो जमीन भगवान केशव की है, कटरा केशव देव की है, ये हिंदुओं की, ये हिंदुओं को मिलनी चाहिए। तो गलत तथ्यों के आधार पर जो कम्प्रोमाइज किया गया वो गलत है। हाल ही में हिंदू महासभा के इस ऐलान से तनाव बढ़ गया था कि वो विवादित स्थल पर जलाभिषेक करेगी।
मगर प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। दूसरी तरफ मथुरा को अच्छी तरह जानने समझने वाले पत्रकार मदन गोपाल कहते हैं कि मथुरा के लोग हमेशा सद्भाव के साथ रहे, मगर पिछले साल पहला मुकदमा दर्ज हुआ जिसके बाद अर्जी देने वालों की झड़ी लग गई। साल भर पहले से बात की जाए, सितंबर से बात की जाए, तो सितंबर से ये मामला कोर्ट में गया है और एक मुकदमा सबसे पहले विष्णु जैन, रंजना अग्निहोत्री और हरिशंकर जैन, इन लोगों ने दायर किया था। उसके बाद अब तक इस मामले में करीब 10 लोग और नए मुकदमे दायर कर चुके हैं। कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के OSD विजय बहादुर सिंह कहते हैं 13 एकड़ की जो पूरी जमीन है वो भगवान कृष्ण की है, तो फिर वहाँ किसी दूसरे धार्मिक स्थल का औचित्य नहीं है। दूसरी तरफ ईदगाह पक्ष को लगता है कि चुनाव को देखते हुए इस मामले को हवा दी जा रही है। अंतिम मंदिर तोड़ा औरंगजेब ने, और उसने न केवल तोड़ा और मंदिर के ही ऊपर उसी के मटेरियल से वर्तमान जो भवन है जिसे ईदगाह कहते हैं, मस्जिद कहते हैं, वो बना दिया है। तो विवाद नहीं, ये तो वैसे बहुत पुराना है, अधिकार का मामला है, आस्था का मामला है, और आस्था यह है कि जन्मभूमि यहीं पर है तो वो पूरी मिलनी चाहिए भक्तों को। 2022 का चुनाव आ रहा है और जो लोग सांप्रदायिक हिंसा में विश्वास रखते हैं, जो उन्माद फैलाना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सीखना चाहते हैं, क्योंकि आप ये मानिए 1968 के बाद इतना लंबा समय हो गया, स्थानीय स्तर पर किसी ने भी इस मुद्दे को ना कभी उठाया है, और आज भी जब उन्होंने ये आह्वान किया तो स्थानीय जनता, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उन्होंने शांति व्यवस्था को कायम रखा और इनके आह्वान को सिरे से नकार दिया। इस कानूनी लड़ाई के बीच बाजारों में आज भी रौनक है और चाय की चौपाल जिंदा है। रामकिशन राजपूत की चाय की दुकान पर जब 75 साल के सलीम और रामकिशन साथ साथ यमुना मैया की जय कहते हैं तो यहाँ की तहजीब साफ दिखाई पड़ती है। पानी हो रहा है, बस मारे बाबा में अलग हो रहा है, जब मस्जिद में अलग हो रहा है और रास्ता भी अलग है, तो फिर क्या है का झगड़ा है? कोई झगड़ा नहीं है और हमारे बाबा हैं, इनका आशीर्वाद है माई पर और हम इनके साथ हैं, भाईचारे से रहते हैं। एक एक बोपाल लगा तो आपको क्या लगता है क्यों उठाया गया ये मुद्दा? ये हमें नहीं पता है, ये गलत लगा हूँ, जिन्होंने उठाया है वो गलत उठा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए इन सारी चीजों में। मथुरा के लोगों के लिए कभी मंदिर मस्जिद मुद्दा रहा क्या? नहीं रहा, कभी नहीं रहा, सब हिंदू मुस्लिम सिख और मथुरा के लोग सब मिलजुल के रहते हैं यहाँ पर, लेकिन ये तो सब राजनीति की बात है, कुछ नहीं, सब राजनीति की बात है। हिंदू मुसलमान तो प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे से एक दूसरे का काम चलता है, पब्लिक सब जानती है। ये मसला आपको लगता है पब्लिक का है या राजनीति के लिए? राजनीति है, राजनीति, वोटों का चक्कर चल रहा है। सिर्फ मंदिर मस्जिद ही नहीं, मथुरा में हाल ही में विवाद की एक नई लहर तक खड़ी हुई जब कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस इलाके में मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया। पुनर्वास के तौर पर उन्हें दूध बेचने की सलाह भी दे दी। कितनी बड़ी गौशाला, 50,000 से भी गाय वहां पर, मैं निकला गौ माता का कारवां निकला, कितना अच्छा लग रहा था। भगवान कृष्ण ने यहां जन्म लिया, वैसे नहीं जन्म लिया, क्योंकि ये गौचारण की भूमि थी, इसलिए गोपाल, गोपालन के रूप में भगवान ने यहां जन्म ले लिया। लगातार उठ रही मांग को देखते हुए योगी सरकार ने मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्म स्थल के 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया। इसके तहत ही यहाँ मांस मदिरा के कारोबार पर बैन लगा दिया। मजीद होटल के मालिक जाकिर हुसैन के यहाँ मटन कोरमा और खमीरी रोटी के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ होती थी। अब खमीरी रोटी तो बनती है, लेकिन मटन कोरमा की जगह पनीर और सोयाबीन कोरमा ने जगह ले ली है। सभी मान्यताओं की हम कदर करते हैं, सभी आस्थाओं की हम कदर करते हैं, हम ब्रज में पैदा हुए, हमारा सौभाग्य है, और हर साल भगवान कृष्ण का जब जन्माष्टमी होती है तो इसी जगह पे हम भंडारा लगाते हैं हर साल, आप रिकॉर्ड देख लेना हमारे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आस्था के नाम पे किसी का खाना पीना बंद कर दो या किसी की रोजी रोटी छीन लो, ये बिल्कुल असंवैधानिक मतलब फैसला। मीट विक्रेता अबरार कुरैशी कहते हैं कि उनके चाचा की दुकान अब बिकने के लिए तैयार है, क्योंकि योगी के फैसले से मीट कारोबारियों की रोजी रोटी बंद हो गई है। माता जी सरकार आई है, सरकार ने स्लेटर हाउस बंद किया, बंद करने के कारण बेरोजगार लोग हो गए,
बेरोजगार होने के बाद में क्या करेंगे, कोई रोजगार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि घर खर्चे के लिए कुछ पैसा चाहिएगा, इसलिए संपत्ति बेचने का इरादा बनाया। मथुरा में एक और मुद्दा सालों से समाधान का इंतजार कर रहा है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक मथुरा में जन्मे कृष्ण का ज्यादातर समय वृंदावन और गोकुल की गलियों में यमुना के किनारे बीता। मथुरा में आज वही यमुना हद से ज्यादा प्रदूषित है। मथुरा में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाई देती है जो जिससे आपको तकलीफ पहुंचती है। माँ गंगा के बाद यमुना के प्रति हमारी आस्था है। यमुना पवित्र नदियों में से एक है, लेकिन मथुरा में प्रवेश के पहले आप यमुना की जो तस्वीर देखेंगे वो आपको बिल्कुल ही अच्छी नहीं दिखाई पड़ती। मथुरा में चुनाव से पहले नारे अलग दिए जा रहे हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि शायद इन नारों के पीछे जो असली मुद्दे हैं उनको छुपाने और दबाने की कोशिश हो रही है। और वो असली मुद्दे क्या होते हैं? विकास के साथ साथ सबसे अहम मुद्दा था यमुना की सफाई का। शहर से ठीक पहले वो देखिए, वो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो राज्य के दूसरे हिस्सों को मथुरा से जोड़ता है। इसके ठीक नीचे ये मथुरा, ये यमुना नदी का अथाह प्रवाह है। इस प्रवाह के दोनों किनारे अगर हम कुछ देख पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ गंदगी, कीचड़, कचरा और बदबू। यमुना की सफाई के लिए यमुना मिशन का गठन तो किया गया, लेकिन यमुना बेहाल ही नजर आती है। आखिर यमुना कब इतनी साफ होगी जब वाराणसी की तरह ही यहाँ भी डुबकी लगाई जा सकेगी? जनता चाहती है कि उनके मसलों का समाधान हो, उनके शहर में अमन सुकून बना रहे और लोग 2 जून की रोटी कमा खा सकें। मगर चुनावी मौसम में सियासी एजेंडा उनकी इच्छा पर भारी पड़ता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश और वो भी मथुरा में मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाना एक राजनीतिक कदम तो हो सकता है, लेकिन जमीन पर स्थानीय लोगों को, मथुरा के लोगों को इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। ये जमीन दरअसल गंगा जमुनी तहजीब वाली है और लोग यहाँ सद्भाव के साथ, सुकून के साथ रहना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनके अपने लोकल मुद्दे हैं और वो चाहते हैं कि जो भी नेता यहाँ पर आए उनके जमीनी मुद्दों पर बात करें, उनके मसलों को हल करें और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करें कि मथुरा की शांति, यहाँ का सद्भाव बना रहे। फिलहाल चुनाव आज तक में मेरे यानी आशुतोष मिश्रा और नासिर खान के साथ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।